इतना तो आप समझ गए होंगे कि बुलेट चलाना बच्चों का खेल नहीं है। ये मुझसे किक स्टार्ट हो ही नहीं रही थी और ये बाइक मेरी नहीं सचिन बाबा की है। सचिन बाबा बोले तो पहाड़ी नोमेड जो बागेश्वर से बिलोंग करते हैं और एक जाने माने ब्लॉगर भी हैं और वो आए थे रानीखेत कुछ दिन चिल करने। तो चिल करते करते सचिन भाई ने पूछा कि यहाँ पे घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है जो मैं कवर कर लूँ। तो मैंने उनसे बोला कि गोल्फ है जो अभी बंद है, उसके बाद यहाँ पे एप्पल गार्डन है जहाँ एप्पल नहीं है अभी, 1 किलोमीटर का ट्रैक है भालू डैम वो भी पता नहीं हो पाएगा या नहीं, उसके बाद सुसाइड पॉइंट है जहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है और आपको अगर झील देखनी मैन मेड छोटी सी वो भी है, और अगर आपको टेम्पल्स वगैरह घूमने हैं तो वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अब आपकी चॉइस है आपको कहाँ जाना है। तो सबसे पहले सचिन भाई को हम ले गए सुसाइड पॉइंट और उसके बाद फेमस तारा की दुकान। होता है दुनिया में तारा, लेकिन जन्म दोबारा जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा। आइए ये हमारे साइन चौड़े आने की, आइए आइए। रुको मैं कैमरा लेके आता हूँ। शॉर्ट छोटे छोटे शॉर्ट तो काम आते हैं। यहाँ से लू क्या, चलो पूरा आर्मी एरिया आ जाएगा। जो तो हम पहुंच गए हैं चौबटिया से बाघा की दुकान सबसे प्रसिद्ध है रानीखेत में, जैसे बागेश्वर में बिट्टू भाई की पकौड़ी की दुकान है सेम वैसे ही यहाँ तारा भाई की दुकान है रानीखेत में, क्योंकि चौपटिया में अभी आप लोग को मौका मिले रानीखेत आने।
शाम हो चुकी थी और हमारा भालू डैम का प्लान कैंसिल हो चुका था। हम यहाँ से टाइम से चले जाते हैं। पहले हम जाते हैं झूला देवी थोड़ी देर शांति से बैठने, और उसके बाद हम जाते हैं बहुत प्यारा सनसेट देखने। निकाल लिया खाना, निकाल लिया ये वाला। मेरा था कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। मेरी कोई तो जाओ उसको बुलाओ, न माने तो उसको डांट के बुलाओ, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। इसके लिए क्या आ रहा है? अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और हमारा सफ़र यहीं तक ही था, और हम जाते वापस अपने होम स्टे जहाँ आग जली थी, और बस ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म।